मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को इंदौर पहुंचे, जहां वे मालवा के प्रख्यात कथावाचक कमल किशोर नागर की कथा में शामिल होने के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुष्पमाला और भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए देशवासियों और प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बधाई दी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इस बार भाजपा 400 सीट जीतकर फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रदेश की गौशालाओं को विकसित करने का संकल्प लिया था। इसी कड़ी में सरकार ने गौशालाओं का मानदेय 100% बढ़ाते हुए डबल कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश सरकार अनाज खरीदने में बोनस देती है, इस तरह गौशालाओं के विकास के लिए भी बोनस राशि दी जाएगी और गौशालाओं के उत्पादों को खरीदने के लिए प्रदेश सरकार प्रयास करेगी। मोहन यादव के मुताबिक लोकसभा चुनाव के आचार संहिता खत्म होते ही गौशालाओं के विकास का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मैं माँ देवी अहिल्या की नगरी में आज आया हूँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं विक्रम संवत 2081 पिंगल नाम संवत सर कल से प्रारंभ हो रहा है, पूरे प्रदेशवासियों को देशवासियों को बधाई दूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि विक्रम संवत हमारे अपने मालवा से सम्राट विक्रमादित्य ने 2080 साल पहले प्रारंभ किया था। खास करके आज बदलते दौर में और आनंद जब बढ़ जाता, जब देश के सबसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय हमारे अपने प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के नाते से पहचाने वाले माननीय मोदी जी का कल हमारे मध्यप्रदेश की धरती पर फिर शुभागमन होने वाला, बालाघाट में कल उनकी सभा भी है, और जिस प्रकार से माहौल बना हुआ पूरे प्रदेश का, देश का पूरा मोदीमय है, भाजपामय है। तीसरी बार फिर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम और आप मिलकर के मैं मध्यप्रदेश की धरती पर आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि फिर एक बार मोदी सरकार और मध्यप्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज मैं कमल किशोर जी नागर जी की कथा में यहाँ आया था। मेरे साथ हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण मंत्रीगण मौजूद हैं। हम सब मिलकर याद करें कि पिछली हमारी सरकार ने निर्णय किया था कि प्रदेश में गौशालाएँ और जो अधूरी है उनको बनवाई जाए, जो गौशालाएँ उनकी मानदेय 100% बढ़ाया गया है, और खास करके हमारे अपने गोवंश के संरक्षण को लेकर के बहुत सारे प्रयोग भी हमने किए हैं। और जब सरकार की आचार संहिता से बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, तो जिस प्रकार से हम अनाज को खरीदने में बोनस देते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये जो दूध उत्पादन होता है उसको भी बढ़ावा दें और इसकी बड़े पैमाने पर मध्यप्रदेश में इसकी उत्पादनता भी बढ़े और खपत भी बढ़े। मेरी अपनी ओर से आप सबका स्वागत। हाँ, एक जानकारी आपको मिला।